हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको ये जो फोर चैनल रिमोट कंट्रोलर स्विच है, ठीक है, इसको हम कैसे कनेक्शन करते हैं तो ये हम आपको बताएंगे। देखिए, फर्स्ट हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर लिया है, ये 1212 600 मिली एम्पियर का एक ट्रांसफार्मर लिया है। ये 1 एम्पियर तक आप ले सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये जो मॉड्यूल है फोर चैनल का रिमोट कंट्रोल, ये हम बैंगूड वेबसाइट से हम खरीदा है। आप देख सकते हैं एक बार इसका कनेक्शन किस तरह हम किया है, हम आपको पूरा डिटेल्स पे सर्किट पे हम बताएंगे। और ये जो आईसी है ये 7812 7812 आईसी है। देखिए, यहाँ पे एक डीपीडीटी एक स्विच लिया है, ठीक है, और एक कनेक्टर लिया है, 2 वे कनेक्टर है, ठीक है, कुछ जम्पर वायर्स लिया है। और यहाँ पे देखिए, ये जो एलईडी है ये 220 वोल्ट पे चलेगा, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे 68 के रेजिस्टेंस लिया है, 4007 डायोड लिया है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर है 22 mFD 50 वोल्ट का कैपेसिटर लिया है। ये वोल्ट मीटर है, ये 0 to 30 वोल्ट पे आप ये चलेगा, ठीक है, तो ये वोल्ट मीटर लिया है। ये 25 वोल्ट, ये जो कैपेसिटर है इलेक्ट्रॉनिक्स कैपेसिटर है 25 वोल्ट 1000 mFD कैपेसिटर है। और ये एक 7812 आई सी है, 7812 आई सी है, ठीक है, इसको वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए, फिक्स्ड करने के लिए लिया है। देखिए, हम यहाँ पे कनेक्शन कैसे किया है हम आपको दिखाते हैं। तो फर्स्ट ये जो वायर है, ये वायर आप इनपुट का वायर है, ठीक है, इस पर हम 220 वोल्ट इनपुट देंगे। तो एक वायर ये जो डीपीडीटी स्विच है, तो ये स्विच पे आया है, ठीक है, स्विच से लेकर एक वायर, ये जो ब्लैक वाला वायर है, ये ब्लैक वायर यहाँ से लेकर ट्रांसफॉर्मर में आया है। और ये जो फेज वाला रेड वाला वायर है, रेड वाला वायर यहाँ से लेकर एक रिले का कॉमन पिन पे आया है, आप देख सकते हैं। बी वाला जो पिन है, बी पिन आपका कॉमन पिन है, और ए जो पिन है, ए वाला पिन नॉर्मली क्लोज पिन है, क्लोज और कॉमन के साथ हम काम करेंगे, ठीक है। और एक फेज वायर आपका ट्रांसफॉर्मर में आया है। उसके बाद हम ट्रांसफार्मर पे 4007 डायोड लेकर हम डीसी किया है। डीसी करने के बाद ये जो दो वायर है यहाँ से लेकर ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर और ये जो 7812 आईसी है, आईसी पे आया है। एक नंबर पिन इनपुट है, 2 नंबर पिन नेगेटिव पिन है, और 3 नंबर जो पिन है ये आउटपुट है। ये पॉजिटिव आईसी है, ये पॉजिटिव वोल्टेज को रेगुलेट करता है, ठीक है। और इस पर उसके बाद देख सकते हैं कनेक्शन को, ये वोल्ट मीटर जो है वोल्ट मीटर के साथ कनेक्शन किया है, ठीक है, आउटपुट वोल्ट कितना निकला है ये दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद और भी जो दो तार है, ये वाला और ये वाला, ये जो दो तार है, ये दो तार रिले का, ये जो मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल का इनपुट का दिया है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव पे, ये 12 वोल्ट पॉजिटिव और 12 वोल्ट नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद ये जो चार वायर है, चार वायर के साथ, चार वायर यहाँ पे जो कनेक्टर है 2 वे, ये 2 वे कनेक्टर के साथ हम कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हम ये जो चार वायर है, चार वायर कनेक्ट किया है, ठीक है, जो ये जो वायर है, ये वायर स्विच पे कनेक्ट हो जाएगा। और ये चार वायर के साथ हम ये जो एलईडी है, एलईडी को कनेक्ट किया है। जब भी हम रिमोट को ऑन करेंगे तो उसके बाद ये एलईडी भी आप जलेगा, ठीक है, ग्लो करेगा, हम आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पे तो कनेक्शन पहले से करके रखा है, और 220 वोल्ट जो इनपुट है, इनपुट हम कनेक्शन कर दिया, इनपुट को हम कनेक्ट कर दिया। देखिए, ये जो व्हाइट कलर का एलईडी है, व्हाइट कलर का एलईडी ग्लो कर रहा है।
220 वोल्ट आ गया, लेकिन अभी तक ये जो सर्किट है सर्किट पे अभी तक लाइट नहीं आया। ठीक है, हम ये इसको हम ऑन कर देते हैं। देखिए जब भी ऑन किया तो यहाँ पे जो वोल्ट मीटर है वोल्ट मीटर ऑन हो गया और ये जो सर्किट है सर्किट भी ऑन हो गया। अभी हम ये जो रिमोट है रिमोट को हम ऑन करते हैं। देखिए ए को प्रेस किया तो ऑन हो गया, बी को प्रेस किया ऑन हो गया, सी डी फिर से हम प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। अब जितना टाइम चाहे तो आप इसको ऑन करके रख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ है, ये जो सर्किट है ये सर्किट पे एक फिगर जम्पर है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये अगर आप घर पे ये सर्किट पे लगाना चाहते हैं तो ये जम्पर को चेंज मत कीजिए, चेंज करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये जो कंटिन्यू ऑन रहेगा तो ये ऑन नहीं रहेगा। ठीक है, देख सकते हैं जम्पर को दूर से दिखा देते हैं। ये वाला जो जम्पर है इसको अगर घर पे लगाना चाहते हैं ये सर्किट को इसको चेंज मत कीजिए। ठीक है, और ये जो पुश बटन है ये रिसेट बटन है। ठीक है, अभी हम इसको सेट कर दिया। ठीक है, अब ये जो सर्किट है इसको हम बोर्ड पे लगाएंगे, जो घर का जो कनेक्शन है कनेक्शन के साथ कनेक्ट करेंगे। बोर्ड को इस तरह लगा लीजिए, लगा लिया। ठीक है, और ये जो चार वायर है चार वायर पे यहाँ से लेकर हम यहाँ पे कनेक्शन कर दिए। ये फेज फेज है फ्यूज़ है, फ्यूज़ का नीचे वाला पोर्शन से तार को कनेक्शन किया। ये फेज है, ये न्यूट्रल है। ठीक है, ये न्यूट्रल है, देखिए अब मेन कनेक्शन को ऑफ करके आप कनेक्शन कीजिए, नहीं तो ये शॉर्ट लग सकते हैं आपको। ठीक है, ये जो चार रिले का जो वायर है रिले का वायर एक स्विच का ऊपर वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला जो कनेक्शन है ऊपर कनेक्शन के साथ हम कनेक्ट कर दिया, ताकि ये स्विच ऑफ रहने के बाद भी ये स्विच रिमोट की तरह से कम होगा। ठीक है, अगर ये रिमोट भी बंद हो गया किसी भी टाइम तो ये स्विच से भी कम चलेगा। ठीक है, इसलिए हम ऊपर का जो पोर्शन है ऊपर का पोर्शन से हम कनेक्ट किया। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे स्विच रिमोट जो है रिमोट को हम ओपन करते हैं। देखिए एक बार, देखिए ये वाला जो लाइट है ये ऑफ हो गया, अभी ऑन करते हैं। देखिए देखिए ये ऑन हो गया। बी जो पोर्शन है बी ए यहाँ पे जो 5 पिन का जो सॉकेट है यहाँ पे कनेक्ट किया है, और सी जो है सी के साथ ये जो बल्ब है एलईडी बल्ब को कनेक्ट किया है। आप देखिए और डी जो है डी के साथ हम पंखे को कनेक्ट किया है। इस तरह आप कनेक्शन कर सकते हैं, बहुत इजीली प्रोसेस है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी जो ब्लू कलर का एलईडी है एलईडी बंद हो गया, ऑन हो गया। देखिए हम इलेक्ट्रिक जो बोर्ड है इलेक्ट्रिक बोर्ड को हम अच्छी तरह से लगा दिया, और ये जो सर्किट बॉक्स है ये सर्किट बॉक्स तो पहले से ही लगाया है, इसको हम सेट कर दिया। कनेक्शन इजी कनेक्शन है, अगर आप चाहे तो आप खुद भी कर सकते हैं। ये जो मॉड्यूल है ये मेरे पास जो है चार रिले का मॉड्यूल है, इसका 8 रिले भी मिलता है और 16 रिले का भी मिलता है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है लिंक को हम डिस्क्रिप्शन पे हम दे देते हैं, वहां से जाकर आप खरीद सकते हैं। आज का वीडियो यही तक, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।